नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बाइनरी लाइव प्रोजेक्ट यूट्यूब चैनल और मैं हूं विजय विश्वा, आपका स्वागत करता हूं। अभी आप जो इस वीडियो में देख रहे हैं इसका नाम अंडर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सिस्टम है। इसमें कभी जब वोल्टेज ज़्यादा होता है या वोल्टेज कम होता है तो पावर कट ऑफ हो जाता है, इससे आपका जो डिवाइस है वो आपका डैमेज होने से बच जाता है। जैसा कि आप डिस्प्ले में देख रहे होंगे, इस डिस्प्ले में पूरा शो हो रहा है, जो भी इसमें ऑपरेशंस होंगे वो सब डिस्प्ले में एक नंबर बाई नंबर सबका सब शो होते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या क्या डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है ना, ये सब पार्ट्स हैं इसके जो भी इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी से हम लोग वोल्टेज को कम और ज़्यादा करके दिखाते हैं। ये आपका हम लोगों ने यहाँ पर बल्ब का इस्तेमाल किया है, जो बल्ब दिखाता है कि एसी पावर कट ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस सर्किट को हम लोग थोड़ा ऑपरेट करके देखते हैं। यहाँ पर वोल्टेज अप और डाउन करने के लिए हमने एक ट्यूनर लगा रखा है, जो कि इसके अंदर एक वेरिएबल रजिस्टर है, जिसको हम वोल्टेज को हम लोग देखिए अभी डाउन करके देख रहे हैं। अभी हाई पे था ये वोल्टेज, को जैसे जैसे मैं डाउन करता हूँ एक प्रॉपर कंडीशन आएगी जहाँ पर ये बल्ब ऑन हो जाएगा, जैसा कि अभी आने वाला है ये पॉइंट। देखिए अभी मैं इसको धीरे धीरे कम करते जा रहा हूँ वोल्टेज को। अभी वोल्टेज जैसे ही कम होगा ये लाइट, देखिए लाइट अभी ऑन हो गई है, यानी कि ये प्रॉपर कंडीशन है इसके चलने की। ये आपका जो सर्किट है ये 150 से लेकर के 1250 तक चलता है। इसके ऊपर अगर होगा तो कट ऑफ हो जाएगा, और 150 से नीचे वोल्टेज होगा तो भी कट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो डिवाइस होते हैं इसको डैमेज होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। सर्किट्स को देख लीजिए आप, बहुत सिंपल सर्किट है, इसमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं अब कि कंपोनेंट्स कौन कौन से लगे हुए हैं। यहाँ आप देखेंगे एक बल्ब लगा हुआ है, ये जो कि एसी बल्ब कहलाता है। ये जो है यहाँ ब्लू वाले ये सब रिले हैं, और उसके बाद में ये जो लगा हुआ है ये होल सर्किट जो है डिस्प्ले ये शो करता रहता है यहाँ पर कि किस प्रकार से क्या कंडीशंस आएंगी, किस प्रकार से ये सर्किट वर्क करेगा। इसके अंदर ये वोल्टेज रेगुलेटर है। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे 230 वोल्ट के लिए हम लोगों ने एक ट्रांसफार्मर लगा रखा है जो 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। 12 वोल्ट में कन्वर्ट करने के बाद में ये डीसी में कन्वर्ट होता है, फिल्टर होता है वो, और 5 वोल्ट में कन्वर्ट होता है, माइक्रो कंट्रोलर में जाता है, डिस्प्ले में शो होता है, और उसके बाद में ये रिले सर्किट के अंदर में आता है और रिले सर्किट से ऑपरेट करते हैं ऑन ऑफ कंडीशन। यहाँ पर ये जो लगे हैं जीनर डायोड्स हैं, जीनर डायोड क्या काम करते हैं, जीनर डायोड आपका 6 वोल्ट का जीनर डायोड है, 12 वोल्ट का जीनर डायोड है, जो कि एक तो 6 वोल्ट पे ऑपरेट कराता है और एक 12 वोल्ट पे ऑपरेट कराता है। इनको सेट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टर्स लगा रखे हैं। ठीक है, और ये जो ब्लैक वाला आईसी देख रहे हैं आप, ये आपका वोल्टेज रेगुलेटर, ये जो अभी दिखा रहा हूँ मैं ये अपना क्या नाम है, ये रिले हैं। ये दो रिले को हम लोगों ने इस्तेमाल किया, एक तो बल्ब को ऑन कराने के काम आता है और एक बल्ब को ऑफ कराने के काम आता है। और ये आपका है प्रीसेट, या फिर हम लोग इसको वेरिएबल रजिस्टर बोलते हैं। और ये होल सर्किट है, इसके अंदर क्या क्या इस्तेमाल हुआ आप देख सकते हैं। सिंपल ही, कुछ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है, सब कुछ इसमें आपको आसानी से दिख रहा होगा। ठीक है भैया, इसके पहले हमने जो वीडियो डाला था वो बॉटल लेबलिंग मशीन है, जो कि ऐसा आपको वीडियो में दिख रहा होगा। इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो में जा करके देख सकते हैं। इसमें हम किसी भी प्रकार की बॉटल को, कांच की बॉटल हो चाहे प्लास्टिक की बॉटल हो, उस पर लेबल लगा सकते हैं। देखिए हमने टिन की बॉटल का इस्तेमाल किया है, किस प्रकार से इसमें लेबल लगाते हैं इसमें आप देख सकते हैं। सिंपली 3 सिलेंडर यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं, 4 सिलेंडर, जो कि आपको देखिए स्टिकर कैसे लगता है। यहाँ पर स्टिकर हम लोग कागज़ का इस्तेमाल किया है, हमने किस प्रकार से लग रहा है आपको दिख रहा हो दोस्तों। इसी प्रकार के वीडियो आपके सामने आते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। धन्यवाद।